हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एके शर्मा। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के अंदर से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट की वेव आपस में सुपरइम्पोज करती है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है, एक दूसरे के साथ मिलती है, तो उसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे एनर्जी कम हो जाती है। तो उस रिडिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस, तो पहले लिखते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स ऑफ लाइट वेव्स। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, दो कोहेरेंट सोर्सेज है। कोहेरेंट सोर्सेज हमने पढ़े थे ऐसे सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट या फिर जीरो फेज डिफरेंस की लाइट इमिट करते हैं, ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। और कैसे कोहेरेंट सोर्सेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो भी हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब तो फेनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही है और वो आपस में एक दूसरे के साथ सुपरइम्पोज करती है, और सुपरइम्पोज करके उस लाइट का एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं। बट क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं भाई, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है और कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहां पे एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहां पे एनर्जी कम हो जाएगी वहां पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दो तरह का इंटरफेरेंस होगा, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो जहां पे एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पे एनर्जी कम हो जाएगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं द प्लेसेस वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम एट दैट प्लेस इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव एंड द प्लेस वेयर इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम मिनिमम द इंटरफेरेंस इज बिकम डिस्ट्रक्टिव। दो तरह का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा चमक, जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वहां पे
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, जहां पे चमक कम हो जाएगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पे चमक ज्यादा हो जाएगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अब ये होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस? लाइट आई दो सोर्सेज से आपस में मिली और फिर वापस से उसका क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो उस रिडिस्ट्रीब्यूशन को ही हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस जनरली आपने देखा होगा, ए सोप बबल अपीयर्स कलर, सोप का जो बबल है वो कलर दिखाई देता है। देखना कभी सोप बबल को आप देखोगे तो कलर दिखाई देगा। क्यों कलर दिखाई देता है? इंटरफेरेंस के, किसके कारण? इंटरफेरेंस के। या फिर आपने देखा होगा कि वेट जो रोड होता है और उसके ऊपर ऑयल की कोई ड्रॉप गिरी हुई है, तो वो ऑयल की ड्रॉप उसे एक स्ट्रिक बनती है, एक पट्टी बनती है, और कैसी दिखाई देती है? कलर्ड। ठीक है, वो भी किसके कारण दिखाई देता है? इंटरफेरेंस के कारण। किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। तो बेटा आप ये लोग, आप लोग ये नोट कर लेंगे, अभी ये डायग्राम अभी नोट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने इंटरफेरेंस की जो डेफिनेशन लिखवाई है वो ही स्टार्टिंग में आप नोट करेंगे। ठीक है, तो आप बेटा नोट कर लो इसको, फिर इससे आगे चलते हैं। इसके नीचे कुछ लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं बिठा रहा बेटा इसको, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए सोप बबल अपीयर्स कलर्ड। क्यों कलर दिखाई देता है नोट करके नीचे लिख लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर में, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। नोट करके मैं नीचे लिख लेता हूँ, नोट, ए सोप बबल अपीयर्स कलर ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बबल। ठीक है, किसी भी सोप बबल का कलर दिखाई देना किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और एंड ए ऑयल स्ट्रिप अपीयर्स कलर ऑन ए वेट रोड ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, आप देखो, देखोगे कि वेट रोड के ऊपर अगर कोई ऑयल की ड्रॉप गिरी हुई है तो वो हमें कैसे दिखाई देती है? कैसे दिखाई देती है? कलर दिखाई देती है, वो भी किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। तो आप लोग नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो हमने पढ़ा है कि इंटरफेरेंस होता है लाइट जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से आपस में मिलती है तो उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उस रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें एक पैटर्न मिलता है, कहीं पे लाइट ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो उस एक्सपेरिमेंट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने 1801 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट किया, जिसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि इंटरफेरेंस को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैसे हम दिखा सकते हैं। तो वो यंग्स ने करके दिखाया। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट हम लिखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसका मैंने डायग्राम भी बना रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
कि मैं क्या क्या अरेंजमेंट होती है, वो अरेंजमेंट हमने दिखा रखी है। एस क्या है? एस इज ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। एस एक स्लिट है और ये किससे इल्यूमिनेटेड है? सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट से। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ हो। क्या हो? एक ही वेवलेंथ हो, तो ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो हम यहां पे लिखते हैं वेयर एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है बेटा, ये डायग्राम मैंने पहले बना करके रखा है, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इस डायग्राम को बनाने में, तो इसलिए मैंने पहले इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया। द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था सबसे पहले? यंग्स ने। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एस इज ए स्लिट इल्यूमिनेटेड by a source of monochromatic light। ठीक है, ऐसे एक सोर्स है और इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ वो 1 mm के आसपास होती है। कितने mm के पास होती है? 1 mm। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे दो स्लिट्स और रखी होती है, ठीक है, और इन दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ए और बी दो स्लिट रखी हैं, ए एंड बी आर टू स्लिट्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम एस। ठीक है, ए और बी दो स्लिट होती हैं जो इससे थोड़ी दूरी पर रखी होती हैं और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पे होती हैं। ठीक है, व्हेन ए स्क्रीन स्क्रीन पी क्यू, ये स्क्रीन है, व्हेन ए स्क्रीन पी क्यू इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अबाउट 2 मीटर के आसपास होता है, इसे 2 मीटर की दूरी पे एक स्क्रीन रखेंगे 2 मीटर, डिस्टेंस सम अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर obtained on the screen। हमें पे इस स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है, ब्राइट डार्क बार ऐसे अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। ठीक, इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, अगर एक भी स्लिट को हम क्लोज कर दें या कवर्ड कर दें, देन फ्रिंजेस आर डिसअपीयर्ड। जो फ्रिंजेस है वो क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती। अगर यहां पे हमने इसको इसको बंद कर दिया, कवर कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, दोनों में से किसी भी एक स्लिट को क्लोज कर दिया, इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड देन फ्रिंजेस आर डिसअपीयर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, भाई ए और बी में से किसी भी स्लिट को कवर कर दें तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा? हम कहेंगे कि ये जो हमें पैटर्न मिल रहा था, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी, वो क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती। ठीक है, अब ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे मिलती हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, किस तरह से हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस स्क्रीन के ऊपर मिलती हैं, इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो एक्सप्लेनेशन इसका, आप लोग ये नोट कर लेंगे बेटा और साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इसमें हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइजन ने क्या बताया था कि ईच पॉइंट ऑफ द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। अब यहां पे देखो द स्लिट एस सेंड्स आउट ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक्सप्लेनेशन the slit S sends out a spherical wavefront किसकी तरफ towards slits A and B A और B की तरफ। कैसा? क्योंकि पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट निकलता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट में देखो कि हमने जो वेव यहां से निकल रही है, जो वेव फ्रंट यहां से निकल रहा है, उसमें जो सॉलिड आर्क हमने बनाई है, ये सॉलिड आर्क है और ये डॉटेड आर्क है। दो चीजें दिखा रखी है, दिस इज सॉलिड आर्क, दिस इज डॉटेड आर्क। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज सॉलिड आर्क और ये क्या है, दिस इज डॉटेड आर्क, डॉटेड आर्क। अब सॉलिड आर्क किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सॉलिड आर्क क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और डॉटेड आर्क टर्फ को, क्योंकि कोई भी वेव इस तरह से चलती है, ये इस तरह से चलती है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा हमने किससे दिखाया है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो ये हमने दिखाया सॉलिड आर्क से, सॉलिड आर्क, और ये वाला हिस्सा हमने इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, इसको बोलते हैं क्रस्ट, CREST, क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट को हमने सॉलिड आर्क से रिप्रेजेंट किया और ट्रफ को डॉटेड आर्क से, डॉटेड आर्क, यानी कि ये जो है सॉलिड आर्क ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी, और ये इस तरह से इसके पीछे हमने बनाया डॉटेड आर्क, ये किसको, ट्रफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। The solid arc represent crust of the wave and dotted arc represent trough of the wave. TROUGH, यानी कि ये जो सॉलिड आर्क है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और डॉटेड आर्क ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अभी ये फ्रंट किसके पास पहुंचेगा, ए और बी के पास। ये फ्रंट ऐसे चला और यहां पे ए और बी के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ए और बी किसका काम करेंगे, ए और बी नए सोर्सेज का काम करेंगे, क्योंकि वेव फ्रंट यहां से चलकर यहां पहुंच गया, यहां हमारे पास दो स्लिट ए और बी। अब ए और बी यहां से फिर सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होंगे। तो यहां पे मैं क्या लिखा है, द स्लिट एस सेंड्स आउट ए स्फेरिकल वेव फ्रंट टुवर्ड्स स्लिट्स ए एंड बी, द सॉलिड आर्क रिप्रेजेंटेड क्रस्ट ऑफ द वेव एंड डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट द ट्रफ ऑफ द वेव, ठीक है। अब इससे आगे देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि स्लिट ए एंड बी एक्ट एज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस ये किसका काम करेंगे, न्यू डिस्टर्बेंसेस का काम करेंगे। यहां से
दोबारा से फिर एक नए सोर्स का काम करेंगे, रेफरेंट यहां से चलकर यहां गया और इनको दो स्लिट्स मिली और वो दो स्लिट्स नए सोर्सेस का काम करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्योंकि मोनोक्रोमेटिक क्यों, क्योंकि इसी सोर्स से ही दोनों सोर्स बने, इसी की लाइट से दोनों सोर्स बने। तो जिस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की लाइट ये इमिट करेगा वही लाइट यहां से निकलेगी, वही लाइट यहां से निकलेगी, ठीक है। एक सोर्स को हमने दो में डिवाइड कर दिया और वो हम कैसे कर सकते हैं, स्लिट से कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है, न्यू डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो व्हेन ए स्क्रीन इज प्लेस्ड placed at some distance distance from slit A and B, interference pattern, बेटा ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां पे फ्रॉम स्लिट ए एंड बी इंटरफेरेंस पैटर्न in the form of alternate bright and dark fringes, किसके फॉर्म में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिला और इसके बीच में क्या हुआ वो देखो। अब मैंने कुछ जगह पे डॉट्स बना रखे, देखो ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, डॉट पे देखो एक सॉलिड लाइन, सॉलिड आर्क को जहां पे कट कर रही है और डॉटेड आर्क जहां पे कट कर रखी है मैंने वहां पे एक क्या बनाया है, वहां पे डॉट बनाया है। तो यहां पे देखो ये, देखो ये कैसी है डॉटेड लाइन है और ये भी कैसी है डॉटेड लाइन है। तो यहां डॉट डॉट को कट कर रहा है, तो यहां पे मैंने क्या बनाया, देखो यहां पे मैंने क्या बनाया, ये मैंने यहां पे क्या बनाया, ये मैंने डॉट बनाया, यहां पे भी एक सॉलिड लाइन को कट कर यहां पे भी क्या बनाया, एक डॉट बनाया, यहां पे भी देखो डॉटेड कट करके डॉट बनाया एक। और दूसरा देखो क्रॉस कहां पे बनाया मैंने, ये क्या है डॉटेड और ये क्या है सॉलिड, तो एक डॉट और एक सॉलिड जहां पे कट कर रहे वहां पे मैंने क्रॉस बनाया, एक क्रॉस देखो ये भी क्रॉस सॉलिड डॉटेड, तो वो पॉइंट जहां पे एक सॉलिड आर्क को कट करती है, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के ऊपर गिर रहा है, सॉलिड के ऊपर इसका जो क्रस्ट है वो इसके बी वाले सोर्स के क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है, और डॉटेड का मतलब क्या है ट्रफ पे गिर रहा है। तो जब क्रस्ट पे गिरता है और ट्रफ पे गिरता है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और यहां पे देखो हमें क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा, इंटेंसिटी बढ़ गई। देखो ये एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे गिरा और इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे गिरा, तो इन दोनों के रिजल्टेंट से जो वेव बनेगी वो कैसी होगी, वो वेव किस तरह की आएगी बेटा, वो वेव हमारे पास इस तरह की वेव आएगी, इंटेंसिटी बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, इसका और इसका एम्पलीट्यूड जुड़ गया, और यहां पे देखो यहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ है, इसका क्रस्ट है, तो ये क्या होगा y is equal to y1 minus y2 और यहां पे y is equal to y1 plus y2,
तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, यहां पे इंटेंसिटी मिनिमम। तो यहां पे लाइट कम हो जाएगी इस स्पॉट के ऊपर, स्क्रीन पे ये जो स्पॉट होगा यहां पे डार्कनेस मिलेगी, यहां पे ब्राइटनेस मिलेगी, यहां पे डार्कनेस मिलेगी, यहां पे ब्राइटनेस मिलेगी। तो यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं द पॉइंट वेयर ए सॉलिड आर्क, ए सॉलिड आर्क कट आर इंसिडेंट ऑन सॉलिड आर्क एंड ए डॉटेड आर्क कट डॉटेड आर्क कट कर लो, वो पॉइंट जहां पे एक सॉलिड आर्क सॉलिड आर्क को कट करती है और एक डॉटेड आर्क को कट करती है, सोवन बाई डॉट्स, किसे दिखाएंगे डॉट्स से दिखाएं इस तरह से, एट दिस पॉइंट क्रस्ट ऑफ वन वेव falls on crust of another and or trough of one wave falls on trough of another। एट दिस प्लेसेस कर लो इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस। कैसा इंटरफेरेंस टेक प्लेस करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस करेगा और ए ब्राइट बैंड ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन एंड ए ब्राइट बैंड ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन, यहां पे लिख रहा हूं मैं यहां पे इस पेपर एंड ए ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन। तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक ब्राइट बैंड मिलेगा, ब्राइटनेस यहां ज्यादा मिलेगी यहां कम मिलेगी, यहां ज्यादा कम मिलेगी फिर यहां ज्यादा मिलेगी इस तरह से, ठीक है। दूसरा देखो, ये आप नोट कर लेंगे, इसी को ही मैं आगे कैरी करता हूं, द पॉइंट वेयर ए डॉटेड आर्क ए सॉलिड आर्क कट ऑन डॉटेड पॉइंट वेयर ए सॉलिड आर्क कट ऑन डॉटेड आर्क एंड ए डॉटेड आर्क कट ऑन कट सॉलिड आर्क सोवन बाई क्रॉस, किसे रिप्रेजेंट कर रखे हमने क्रॉस से,
ये देखो क्रॉस है, ये क्रॉस यहाँ बनाया, ये क्रॉस यहाँ बनाया, ये क्रॉस यहाँ बनाया, ठीक है। एट दिस पॉइंट क्रस्ट ऑफ वन वेव पास ऑन द ट्रफ, ठीक है, ऑफ अनदर वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव पास ऑन द क्रस्ट, ऑफ अनदर एट दीज प्लेसेस इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम हो जाएगी बेटा, यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव की जगह क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस एंड ए डार्क फ्रिंज, फ्रिंज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन। तो उसके बाद हमें ये पूरा उतारना है, ठीक है। तो जहां पे क्रॉस है वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जहां पे हमने डॉट बनाए हैं उन प्लेसेस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव वाली जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और ब्राइट बैंड मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव वाली जगह पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी और हमें डार्क बैंड मिलेगा, ठीक है। तो ये इस इंटरफेरेंस पैटर्न की एक्सप्लेनेशन, इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा एक्सप्लेन हमने किया है ये एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में या 3 नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम क्या करें, अगर एस को किससे रिप्लेस कर दें, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट से, अभी तो क्या है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक कुछ भी हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, मतलब एक ही कलर की लाइट जा रही है, यहां पे हम क्या लगा दें, व्हाइट लाइट का सोर्स ले लें, क्या ले लें, व्हाइट लाइट का। तो ये जो हमें फ्रिंजेस मिल रही है ये कलर्ड मिलेगी और अनइक्वल विड्थ होगी जिनकी, अभी तो इनकी विड्थ क्या होती है, इक्वल होती है जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, लेकिन जैसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स को किससे रिप्लेस करेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हम व्हाइट लाइट के सोर्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये जो फ्रिंजेस हमें मिल रही है ये कलर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेटा मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ नीचे, ये हमें तभी लिखना है जब एग्जाम में पूछा जाए हमसे, नोट डाल करके नीचे लिख रहे हैं, नोट, पहले सोर्स ऑफ एस इज रिप्लेस्ड इन द सोर्स एस रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, देन फ्रिंजेस बिकम्स कलर्ड, कौन से फ्रिंजेस कलर्ड बन जाएंगे बेटा, ब्राइट वाले फ्रिंजेस कैसे हो जाएंगी, कलर्ड एंड अनइक्वल विड्थ, और विड्थ कैसे हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, विड्थ कैसे हो जाएगी, अनइक्वल, ठीक है। तो दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमारा क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें ब्राइट बैंड के लिए क्या कंडीशन होती है और डार्क बैंड के लिए क्या कंडीशंस होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक यू।